नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्विक सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू की सूखी सब्जी है ये। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनता है और टेस्ट लाजवाब होता है। इस सब्जी को फर्स्ट टाइम मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना सिंपल है ना, बढ़िया पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है ये सब्जी। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पराठा के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ का पोटैटो ले लिया है। आलू मैंने वॉश करके ले लिया है, इसे हमें पेल कर लेना है। यहाँ पे पोटैटो को मैंने पेल करके बढ़िया वॉश कर लिया है। इसको हमें छोटे छोटे क्यूब्स में काटने हैं, तो उस हिसाब से हम काटेंगे। इस तरह से कर लिया। अब इसमें से हम मतलब मोटा पतला आप कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे काट लिया। अब ये देख सकते हैं, ऐसे ऐसे हमें काट करके रेडी कर लेना है पूरा आलू को। और काट के ना तुरंत हमें पानी में इसको डालते जाना है, नहीं तो ये काला हो जाएगा। और इसका स्टार्च भी हमें वॉश करके निकाल लेना होगा 4-5 पानी से। आलू को मैंने रेडी कर लिया है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें 3 टेबलस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तेल इसमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि सूखी सब्जी है, तेल में ही कुक होगा। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, 1 टीस्पून फुल हम मस्टर्ड सीड डालेंगे, सरसों का दाना। साथ में ही हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तड़का हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो आलू है आलू को हम धीरे से इसमें डाल देंगे। आलू के साथ ही हम 15-20 करी लीव्स डाल देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें डालना, इसका फ्लेवर इस सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है। सब्जी को अब हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर रखा है। अब ये सूखी सब्जी है तो हमें मीडियम फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना रहेगा। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम मसाला डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, और 1/3 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे। मिर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/3 टीस्पून हम यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको बढ़िया मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के बढ़िया मिक्स करके और इसको हमें कवर करके ही पकाना है। आंच के ऊपर ध्यान देना, बिल्कुल भी फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना। कवर करके ही इसको हम पकाएंगे जब तक कि हमारा आलू बढ़िया कुक ना हो जाए। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। पर मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें जो करी लीव्स डाला है ना मैंने, करी पत्ता, नहीं होगा तो आप बिना करी पत्ते का भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके पास हो तो मैं बोलूँगी आप ज़रूर डालेंगे, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। तो बस इसको इसी तरह से कवर करके हमें पका लेना है। ये सब्जी ऑलमोस्ट मेरा होने को आ गया है। हमें इसको ना अंदाज इस तरह से लगाना है कि आलू कुक हुआ है कि नहीं। हम फोड़ के देखेंगे, आलू बढ़िया टूट जा रहा है इसका मतलब ये सब्जी हमारा हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा खट्टास डालूँगी, ये चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 टीस्पून। बढ़िया एकदम खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अगर मैं चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं खट्टा नहीं पसंद करते हैं या खट्टा नहीं डालना है तो वैसे भी काफ़ी अच्छा ये होगा। तो अब फ्लेम को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब इस सब्जी को हमें सोना करना है, तो हम इसको एकदम बढ़िया फैला के कढ़ाई में बढ़िया एकदम सोना कर लेंगे सब्जी को। सब्जी हमारा एकदम बढ़िया सोना हो गया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से हमें इसको पकाना है।
ये देखो अब इसको खाने में ना मैं बता नहीं सकती कितना बढ़िया एकदम टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का और कितना जल्दी कुक होता है ये सब्ज़ी। 10 मिनट के अंदर बनकर ये सब्ज़ी रेडी हो जाता है। आँच को अब हम बंद करके सब्ज़ी को निकाल लेंगे। सब्ज़ी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारा एकदम बढ़िया आलू की सूखी सब्जी बन करके रेडी हो गई है। कितना दिखने में टेस्टी लग रहा है ना, खाने में मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है। अब इसको आप बना करके किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। पूड़ी, पराठा, रोटी या दाल चावल के साथ भी बहुत ये सब्ज़ी अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। देख के ही सब्जी कितना आसान लगा होगा ना। सुबह सुबह उठो, लंच बॉक्स रेडी करना है, बच्चों को टिफ़िन में देना है, कुछ ना सूझे, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप फटाफट ये सब्ज़ी बनाकर लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। और सब्ज़ी ना हो घर में आपके पास कोई भी, जिस दिन आलू है तो ये सब्ज़ी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।